हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YouTube मास्टर में। मैं आपका दोस्त रुपेश लोधवाल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने YouTube वीडियो में हॉलीवुड बॉलीवुड साउथ मूवी के म्यूजिक को यूज करना चाहते हैं और उस पर कभी भी किसी भी तरह का ना तो कॉपीराइट क्लेम चाहते हैं ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक चाहते हैं, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप किसी भी तरह के म्यूजिक को अपनी वीडियो में कैसे यूज कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट क्लेम और बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के। सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या बाकी की वीडियो पसंद आए पूरा वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए और हम अगला वीडियो और अच्छा क्रिएट करके आप तक लेकर आए। सो गाइस, मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपनी वीडियो में हॉलीवुड बॉलीवुड साउथ मूवी के म्यूजिक को यूज करना चाहते हैं तो अब ये चीज 100% पॉसिबल है, आप इनको अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 सेकंड का यूज करना है, 30 सेकंड का यूज करना है या 1 मिनट का यूज करना है, आप पूरा सॉन्ग भी अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। कभी भी किसी भी तरह का कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद फीचर अब YouTube आपको देने वाला है कि आप किसी भी तरह के सॉन्ग को यूज करिए, हम किसी भी तरह की ना तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे ना ही कॉपीराइट क्लेम देंगे। 2023 में YouTube एक नया फीचर रोल आउट करने वाला है, उस फीचर का नाम है क्रिएटर म्यूजिक। और गाइस, ये सारे के सारे सॉन्ग वहीं पर ही आपको मिलेंगे। म्यूजिक की जितनी भी कैटेगरी होती है, हिप हॉप होती है, सैड सॉन्ग होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग होते हैं, सारे के सारे सॉन्ग भी वहां पर आपको मिलेंगे। आप वहां पर किसी भी तरह के सॉन्ग को सर्च कर सकते हैं, किसी भी मूवी के सॉन्ग के नेम को डालकर वहां पर सर्च कर सकते हैं, मतलब आपको जो सॉन्ग चाहिए वो आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट डाउनलोड करके अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इससे पहले इस वीडियो को देख लो आपको किस तरीके से उस म्यूजिक को यूज करना है। सो गाइस, YouTube का जो नया फीचर आने वाला है क्रिएटर म्यूजिक, अगर वहां से आप किसी म्यूजिक को डाउनलोड करके यूज करना चाहते हैं तो YouTube की दो रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को आपको पहले कंप्लीट करना होगा। आप एक को भी कंप्लीट करेंगे तो चलेगा। सबसे पहले मैं आपको पहली रिक्वायरमेंट बताता हूं जो कि थोड़ी सी लेंदी है लेकिन आप उसको कर लेंगे, और दूसरी काफी आसान है जो कि आपके लिए सच में काफी बड़ा फायदे का सौदा है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। अगर आप अपने वीडियो में किसी भी तरह के सॉन्ग को यूज करना चाहते हैं तो आप बिंदास क्रिएटर म्यूजिक पर जाएंगे, सॉन्ग को डाउनलोड करेंगे, अपनी वीडियो में यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उस सॉन्ग का लाइसेंस परचेस करना होगा। जब तक आप उसका लाइसेंस परचेस नहीं करेंगे आप उस सॉन्ग को अपनी वीडियो में यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहना, दूसरा पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, अभी हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप क्रिएटर म्यूजिक से किसी भी लाइसेंस को परचेस करके सॉन्ग को डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज करते हैं तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, आप जिस जीमेल आईडी से अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किए हैं और उसी जीमेल आईडी से आप जिस सॉन्ग को डाउनलोड कर रहे हैं और उसी जीमेल आईडी से आप जिस सॉन्ग को परचेस कर रहे हैं, सिर्फ आप उसी यूट्यूब चैनल पर उस सॉन्ग को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2-3 और यूट्यूब चैनल बना के रखे हैं अलग अलग जीमेल एड्रेस पर, तो गाइस वहां पर आप उस सॉन्ग को यूज नहीं कर सकते। आपने जिस जीमेल आईडी से उस सॉन्ग को परचेस किया है आप उसी यूट्यूब चैनल पर उस सॉन्ग को यूज कर पाएंगे। एक तो ये यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है। और गाइस, अगर आप क्रिएटर म्यूजिक से किसी भी सॉन्ग को परचेस करना भी चाहते हैं तो गाइस वो हर सॉन्ग आपकी कैटेगरी के हिसाब से दिया जाएगा, जैसा कि मेरी टेक कैटेगरी है। तो गाइस, यहां पर ना तो मैं डांस करने वाला हूं, ना ही वॉइस ओवर करने वाला हूं, ना ही कवर म्यूजिक बनाने वाला हूं, ऐसा यहां पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो सिंपल सी बात है, सॉन्ग की मुझे जरूरत भी नहीं है। और गाइस, अगर इन फ्यूचर में किसी सॉन्ग को परचेस भी करना चाहूं तो मुझे कम प्राइस में वहां पर सॉन्ग मिलने के चांस है। अगर आपकी एंटरटेनमेंट कैटेगरी है तो आप डांस भी करेंगे, वॉइस ओवर भी करेंगे, तो गाइस वहां पर आपको प्राइस थोड़ा सा हाई मिलने को देखने को मिल सकता है। हर सॉन्ग के अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, कोई सॉन्ग $10 का हो सकता है, $5 का हो सकता है, $9 का हो सकता है, $3 का हो सकता है, $2 का हो सकता है। ये सारी चीजें आपकी वीडियो की कैटेगरी के हिसाब से मैटर भी करेगी और आपका चैनल कितना बड़ा है वो चीज भी यहाँ पर मैटर करेगी। कितने सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज आते हैं, ये सारी चीजें म्यूजिक ओनर चेक करेगा, उसके बाद सॉन्ग का प्राइस वो डिसाइड करेंगे और वहां पर आपकी लिस्ट में वो सॉन्ग आपको दिखाए जाएंगे जिनको आप परचेस करके अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2-3 साल पहले पीछे चलते हैं। बात करें 2-3 साल पहले की, तो गाइस अगर आप वहां पर अपनी वीडियो में किसी भी हॉलीवुड बॉलीवुड साउथ मूवी के म्यूजिक को यूज करते थे और अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता था तो गाइस आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम फटाक से आ जाता था और उस वीडियो से आप जितनी भी अर्निंग करते थे वो सारी के सारी अर्निंग म्यूजिक ओनर ले जाता था और आपको कुछ भी नहीं मिलता था, मतलब 0 रुपए आपको मिलते थे और उससे जितनी भी कमाई होती थी ओनर सारी के सारी ले जाता था। और गाइस हमेशा एक टेंशन बनी रहती थी कि यार हमारी इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, क्या पता आने वाले टाइम पर यहाँ पर स्ट्राइक आ जाए, चैनल उड़ जाए, तो गाइस वो टेंशन भी अब यहाँ पर खत्म होने वाली है पॉइंट नंबर 2 में। अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 2 क्या है। अगर आप किसी सॉन्ग को अपनी वीडियो में यूज करना चाहते हैं लेकिन परचेस करना नहीं चाहते तो भी गाइस आप किसी भी सॉन्ग को
अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, आप उस सॉन्ग को डाउनलोड करिए, अपनी वीडियो में यूज करिए। यूज करेंगे तो गाइज अगर आपका चैनल मोनिटाइज है तो आपको रेवेन्यू शेयर करना होगा। सपोज करिए आपने जिस वीडियो में उस सॉन्ग को यूज किया है उससे $100 की अर्निंग आपकी हुई है, तो $100 में से पहले तो $45 YouTube लेकर साइड में हो जाएगा क्योंकि उसने उसका काम किया, आपको सॉन्ग प्रोवाइड करवा दिया। अब बचे $55, $55 में से $23.5 ओनर को जाएंगे, म्यूजिक ओनर को जाएंगे, और $23.5 आपको मिलेंगे। तो गाइज इस तरीके से $55 पूरा कंबाइंड हो जाएगा और यहाँ पर आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, ना ही कॉपीराइट क्लेम आएगा और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, और आप बिंदास किसी भी सॉन्ग को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो गाइस अगर आप अपनी वीडियो में 30 सेकंड का म्यूजिक भी अगर आप यूज कर लेते थे तो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता था और जितनी भी आप कमाई करते सारी की सारी म्यूजिक ओनर ले जाता था। पहले आपको कुछ नहीं मिलता था लेकिन अब आपको कुछ मिल रहा है जो कि आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल सौदा है। तो गाइस ये था बस एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है, YouTube के अपडेट आपको जानना है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले टाइम पर आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस लेकर आ सकें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।